अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार आदाब। इस वक्त हम लोग सोनथा मार्केट में हैं और ये सोनथा काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमाए कोचा धमन के अध्यक्ष भी हैं और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेता भी हैं। इनके साथ एक बात और जुड़ती है कि साहब, ये कोचा धमन के MIM के संभावित विधायक के उम्मीदवार भी हैं। खैर, बहरहाल इस वक्त पूरे देश में बातें सिर्फ दो ही चल रही हैं कि साहब CAB पर क्या होगा और NRC पर क्या होगा। उसके अलावा लोग कोई गप सुनना पसंद नहीं करता है। और पिछले दिनों आपने देखा कि इजहार रफी साहब की जानिब से इस CAB बिल के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट किया गया था, इसमें इन्होंने काफ़ी सारा कुछ कमिटमेंट किया था कि साहब जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और मौजूदा जो सरकार है, बिहार की जो हुकूमत है, उनकी कारकर्दगी कैसी रही है, इन तमाम चीज़ों पर इनसे हम जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं और इस मसले का हल क्या है। सर, ये NRC और CAB जो बिना मतलब का जो लागू किया जी, ये हिंदुस्तान के आईन और कानून से हटके है जी। ये मनमानी तौर पर ये नीतीश कुमार और ये अमित शाह जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी, ये तीनों लोग साजिश करके यहाँ पर ये एक मुहिम चलाया कि इसको हम लोग चेंज करें जो कानून से हटके है। हालांकि ये नहीं होनी चाहिए और हम लोग इस पर लगे हुए हैं, हमारे अकाबरीन भी लगे हुए हैं, हमारे नेता लोग भी लगे हुए हैं। सर, जब आप अकाबरीन का जिक्र करते हैं तो ये पूछना लाजमी हो जाता है कि अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है सर, जमीयत उलमाए हिंद के जो सदर साहब हैं या एक ओहदे पर जो फायज़ हैं जनाब महमूद मंदी साहब, उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब बहुत अच्छा हुआ है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, वो वीडियो गलत है, वो वीडियो पहले का होगा, उसके बाद उसी में सटा हुआ, मैं भी देखा हूँ उसको। अच्छा, बाद वाला भी स्टेटमेंट सुनिए, वो हाल का जो उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसके साथ में अटैच है जी, आप उसको देख सकते हैं बाकायदे साथ जी। तो लेकिन ये हमारे साथ में जो साजिश हो रही है पूरे NRC और CAB लागू करने के लिए लोग तैयारी किया है जी, इसमें हम लोग उसका हर हाल में विरोध करेंगे, जब तक जिंदा है तब तक विरोध करेंगे और उसके लिए हम लोग हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उसके जो कुर्सीधारी लोग हैं, चाहे MP हो या MLO, खासतौर पर हमारे किशनगंज जिले के दो विधायक पटना में बैठे हुए हैं जी, जो ठाकुरगंज विधायक और कोचा धमन विधायक, वहाँ से फरमान जारी करता है कि हम लोग आज शाम में मुख्यमंत्री से मिले, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री से मिलना भारी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम NRC पर बात किए हैं और NRC के सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले हैं कि हम बिहार में लागू होने के लिए नहीं देंगे, जो असंभव बात है, कानून के खिलाफ वाला बात बोलता है। मैं दोनों विधायक से खास तौर पर मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि इस तरह के झूठी बात को लोगों को न समझाएं, लोग भी अब समझने के लायक हो गया है, यहाँ की भोली भाली जनता भी सब जानता है कि पटना में गए हैं, ठीक है बात, मुख्यमंत्री से मिले, मिल सकते हैं, आपका मुख्यमंत्री है, लेकिन इस बात को न फैलाएं कि मुख्यमंत्री कहा है कि बिहार में NRC लागू होने नहीं देंगे, जो किसी तरह से हो ही नहीं सकता। आखिर दुनिया से जाना है, सबको मरना है, मुकद्दर में जिसका जो है वो है, लेकिन अब किसी चीज़ को पाने के लिए या एक कुर्सी के लिए झूठ बोला यहाँ पर के 2-2.5 लाख जनता के सामने में आप बोल रहे हैं एक कुर्सी के लिए, ये थोड़ा सा नागवार गुजरता है लोगों को। और आप लोगों से फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों से भी कांटेक्ट हो तो माननीय विधायक कोचा धमन को जरा समझाइए कि इस तरह से ऑल फॉल गलत बात ना बोले, वरना जनता सब जानती है किसी न किसी, चूँकि आप वो भी यहीं का है, जनता भी यहीं का, हम भी यहीं का है, हर एक आदमी दूसरे आदमी के बारे में, उसके पूर्वज के बारे में और आने वाला भी जो ये है उसके बारे में भी सब जानते हैं, गलत बात नहीं फैलाना। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं जनाब अलहाज इजहार रफी साहब, जो जमीयत उलमाए हिंद के कोचा धमन के अध्यक्ष भी हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोचा धमन के भावी उम्मीदवार भी हैं। लगातार ये कह रहे थे कि साहब CAB हो या फिर NRC हो, हम अपनी आखिरी सांस तक अवाम के लिए, अपने हित के लिए और किशनगंज के हित के लिए ये लड़ते रहेंगे। और इन्होंने कई तरह के सवालात यहाँ की जो मौजूदा सरकार है उनसे की है, फैसला आपको करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप वो कमेंट ज़रूर करिए वीडियो के अंदर कि साहब NRC और CAB को लेकर के हमारी सरकार, बिहार सरकार, उनकी लापरवाही, आप क्या सोचते हैं इस पर, प्लीज़।